बढ़ला केजरीवाल समस्या। सरकारी बंगलार नवीकरण में अनियमितता और नियम उल्लंघन अभियोग ऑडिट। एने केंद्र स्वराष्ट्र मंत्रालय को चिठी लिखि दिल्ली उपराज्यपाल। दिनकु दिन अड़ुआ भितरकु ठेली जाउछंती दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। एबे पुणी तांक प्रति समस्या बढ़िबारे लागिछि। तांक सरकारी बासभवन नवीकरण होइतिबा अनियमितता एवं नियम उल्लंघन अभियोग ऑडिट सीएजी करिबे। राज्य निवास अधिकारी माने मंगलवार ई सूचना देइछंती। वास्तव में मे 24 रे दिल्ली उपराज्यपाल वीके सक्सेना कार्यालय केन्द्र स्वराष्ट्र मंत्रालय को एक चिठी पठाई सीएजी द्वारा एक स्वतंत्र ऑडिट सुपारिश करथिले। चिठी रे कुआजाइथिला मुख्यमंत्री बासभवन नवीकरण नाम अनेक उल्लंघन एवं व्यापक आर्थिक अनियमितता होइथिबा जनापड़ी। यापर स्वराष्ट्र मंत्रालय उपराज्यपाल सचिवालय द्वारा पठा जाइथिबा सुपारिश को सीएजी को पठाइथिले। तेबे दिल्ली सिविल लाइन्स 6 फ्लाग फास्ट रोड मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकारी बासभवन जड़ित मामलार स्वतंत्र ऑडिट कर। मुख्यमंत्री बासभवन नवीकरण संपर्क में भाजपा अभियोग करथिला पीडब्ल्यूडी ए कामर मूल्य 7.62 कोटी रु 33.20 कोटी टंका को बिना अनुमति वृद्धि करछि। ए अभियोग ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना दिल्ली मुख्य शासन सचिव निकट रु एक रिपोर्ट मागिथिले, जेउदरे मुख्य सचिव 27 एप्रिल रिपोर्ट प्रथम भाग पठाइथिले एवं तापरे 12 मे रिपोर्ट द्वितीय भाग उपराज्यपाल सचिवालय को पठा जाइथिला। रिपोर्ट राजीव उड़ीसा।